नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत के भूगोल का पूरा एक पाठ्यक्रम बताया था और हम लोगों ने बात किया था कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना होगा। उसी क्रम में आज हम लोग अपने पहले टॉपिक यानी कि भारत का सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के सामान्य परिचय में हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना होगा जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। हमारे उन साथी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनका एक अन्य विषय क्या रखा जाए। इतिहास रखें, भूगोल रखें, अर्थशास्त्र रखें या फिर राजनीति विज्ञान रखें, तो ऐसे कसमकस में फंसे हुए मेरे साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद इस बात को उनको डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमारा अगला विषय कौन सा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज हमारे क्लास का जो विषय है वो है भारत का सामान्य परिचय। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें अमूमन किन किन बिंदुओं को यहाँ पर देखना होगा। तो हम लोग जो पहले पॉइंट की बात करेंगे वो हम बात करेंगे लोकेशन की, यानी कि भारत की लोकेशन कहाँ है या इसी को हम लोग कहते हैं अवस्थिति, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए आता है, भारत की लोकेशन हम लोगों ने देख लिया तो हम लोग दूसरे पॉइंट पर देखेंगे भारत का आकार कैसा है और कितना है। आकार में हम लोग देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है और कितना है, यानी कि विश्व के स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत का आकार कैसा है और भारत का आकार पूरे विश्व के स्तर पर अगर तुलना करेंगे तो वो उसका कौन से क्रम में आकार आता है। उसके बाद यहीं पर हम लोग एक पॉइंट और देख लेंगे भारत के क्षेत्रफल को, और भारत के क्षेत्रफल के साथ साथ हम लोग यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लेंगे भारत का चतुर्दिक बिंदु कौन कौन सा है, भारत का चतुर्दिक बिंदु देखेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथे पॉइंट पर कि भारत में गुजरने वाली कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं हैं, तो भारत से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं हम लोग यहां पर इसकी चर्चा करेंगे। और आपको मैं यहां पर बता दूं तो भारत में कुल दो काल्पनिक रेखाएं होकर के गुजरती हैं। इसमें से एक होता है भारत का मानक समय रेखा और दूसरी होती है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे यहाँ पर, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और फिर उसी तरह से भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पाँचवें पॉइंट पर बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश या यूँ कह लें कि भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाओं में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो कर सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके समझने के लिए। तो भारत की सीमाएं जो हैं, एक को हम लोग कह लेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एक को कहेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और दूसरे को हम लोग कहेंगे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमाएं, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल। हम दो यहां पर बात करेंगे भारत की सीमाओं की, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमाएं कौन सी हैं। अंतर्राज्यीय सीमाओं का मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है या मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं। इसके बाद हम लोग
छठवें पॉइंट पर हम लोग देखेंगे भारत और पड़ोसी देशों के साथ इनका संबंध कैसे है, यानी कि भारत और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो आज के वर्तमान में समय में अगर हम लोग देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत चाइना के बीच में कैसा संबंध है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपने देखा था 29 और 30 अगस्त को भी भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर भी झड़प हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारे देश के जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस तरह से हमारी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग TGT की बात करें तो वहाँ पर तो मान लीजिए कि इस तरह से आपको विस्तृत प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग PGT की बात करते हैं तो वहाँ पर सवाल यहीं से आएगा। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि PGT का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जबकि TGT में आपको अमूमन फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, या पूछ लेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल जो कि आपको फैक्ट में पूछे जाते हैं, तो वो लेवल रहता है थोड़ा सा TGT का। लेकिन जब यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से मिला करके, तब वो सवाल थोड़े से टफ होते हैं और थोड़े वो विस्तृत प्रकार के आंसर की मांग करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा करंट अपडेट भी रहना पड़ेगा, ताकि आपके परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाएँ उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब हम लोग यहाँ पर इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन को, दूसरा पढ़ेंगे भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे चतुर्थिक बिंदु क्या है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है। कभी कभी ये भी आपसे फैक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ पर लंबाई की हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद काल्पनिक रेखाएं जो यहाँ से गुजरती हैं, वो होता है मानक समय और कर्क रेखा। फिर उसके बाद हम लोग पड़ोसी देश की सीमाएं देखेंगे और अंतर्राज्यीय सीमाएं देखेंगे, और उसके बाद हमारा छठवां पॉइंट होगा भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ उनका क्या संबंध रहा है। तो इस तरह से कुल 6 पॉइंट पर हमारा भारत के सामान्य परिचय वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इन 6 पॉइंट के बाद क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तो आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई, माने कि आपको जब तक सवाल आप ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वहाँ पर आप अपने सवालों को या अपनी तैयारी को पूरा नहीं मान सकते। क्योंकि हमने तो ये सारी चीज़ें अलग अलग किताबों में भी पढ़ा है, किताब की हम लोग चर्चा करते हैं, किताबों में कहीं ना कहीं से हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन जो टेक्निकल बातें आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो जिस टेक्निकलिटी के साथ आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जब तक आप एग्ज़ाम के ट्रेडिशन को, एग्ज़ाम की परंपरा को नहीं समझते हैं, एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं पकड़ते हैं, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से सातवें पॉइंट पर हमको जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर रखना होगा अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर हम अपनी बैच में आपको कुछ अभ्यास प्रश्न करवाएंगे भी, कुछ सवाल आपसे हम पूछेंगे भी, और बाकी आपको जो भी किताब मिलती है अभ्यास के लिए आप उस किताब को रख सकते हैं। अब जो लोग इसमें से सीरियस हैं, भूगोल विषय के रूप में अपना एक विषय चुनना चाहते हैं, अब उनके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि एक तो आपके पास बड़ा वाला जो दीवार में टांगने वाला मैप होता है, कुछ इस तरह से ये वाला एक मैप आपके सामने होना चाहिए और वहाँ लगा होना चाहिए जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं। माने कि अगर आप सोने के टाइम पर बेड पर लेट करके अगर आपका मुंह सामने रहता है तो वो
मैप आपको वहां लगाना है। अगर आप ज़्यादा टाइम चेयर और टेबल पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका वो मैप होना चाहिए। तो इस तरह से आपको वहीं पर ये मैप लगाना है जहां पर आप ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए। ग्लोब का मतलब है पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसके बाद तीसरी पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है वो है कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए, और एटलस आप ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसको आप लेंगे तो चीज़ों को लोकेट करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और इसके बाद जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि जितनी भी चीज़ें हम लोग बात करें उसको आप नोट करते चलेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन ये सारे काम आप तब करेंगे जब आप सीरियस होंगे, जब आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तब आपके लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। बाकी अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो इन सब किसी भी चीज़ से आपका लेना देना नहीं होगा। ये इसी बात का गवाही होगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तभी मैं मानूंगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं। और ये बात मैं समय समय पर चेक कर लूंगा कि आप तैयारी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, और हम लोग अब देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत का लोकेशन कहाँ है, भारत कहाँ पर स्थित है। तो हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो पहला पॉइंट है वो है भारत की लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि अवस्थिति भारत की कहाँ पर है, भारत कहाँ पर स्थित है, हम लोग अब इसकी बात करते हैं। तो भारत को अवस्थित करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है, हम समझते हैं कि भारत को कहाँ पर दिखाते हैं, ग्लोब पर। और ये ग्लोब क्या होता है, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ग्लोब क्या होता है। ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। जिस तरह से पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में होती है उसी को एक अलग तरीके से पढ़ने लिखने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्लोब है। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि आप जानते हैं, और जो ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर कुछ इस तरह का ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जब आप इस ग्लोब को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइनें आपको खींची हुई दिखेंगी, और उनमें से कुछ लाइनें आपको इस तरह से दिखेंगी, कुछ इस तरह से, कुछ लाइनें आपको ऐसी दिखेंगी, और कुछ लाइनें आपको इस तरह से दिखेंगी। ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं, और उसको आप बहुत आसान समझते हुए गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये दो लाइनें हैं, आप इसमें से देखेंगे तो एक लाइन जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। और जो लाइन रेड कलर वाली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, या फिर इसी को लॉन्गी ट्यूड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन और अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपको खींची हुई मिलेंगी। जैसे कि जो ये वाली लाइन है ठीक बीच में, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
या इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम देंगे। पहला नाम इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, दूसरा नाम हम लोग कहते हैं इसी को इक्वेटर, और तीसरा नाम हम लोग इसी को देते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। वास्तव में कोई भी अक्षांश रेखा क्या होती है, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर उसके केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती है। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ का लोकेशन चाहिए, ये हम पृथ्वी के इस जगह पर खड़े हैं और यहाँ से हमको अक्षांश रेखा खींचना है, तो हम क्या करेंगे कि इस जगह से पृथ्वी के केंद्र को आपने देखा होगा ना, देखे हैं कि नहीं। पृथ्वी का केंद्र ये ग्लोब है और यहाँ पर आपको पृथ्वी का केंद्र अगर देखना हो तो क्या आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये सवाल हमसे है। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि पृथ्वी का केंद्र आपने देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो कैसे देखा है, इस बात का आपको जवाब देना है। तो हम क्या करेंगे कि इस स्थान से पृथ्वी के केंद्र तक एक हम लोग लाइन खींचेंगे जो कि ये क्या होगी, एंगुलर डिस्टेंस होगी। अब यहाँ से इस बेस लाइन और इस तिर्यक लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये एंगल बना 45 डिग्री का, और यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर किसी बिंदु पर हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो चारों तरफ बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये वाली लाइन और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों क्या हो गया 45 डिग्री पर। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक अक्षांश रेखा। कहने का मतलब है कि जब हम अक्षांश को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, पृथ्वी के किसी भी स्थान से उसके केंद्र पर मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। और ऐसे ही दो अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब तक ये बिंदु है, ये पॉइंट है, तब तक हम इसको अक्षांश कहेंगे, और जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तब उसी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ लिया था, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो क्या इसको हम लाइन कहेंगे, नहीं कहेंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। यानी कि ये वाला पॉइंट अब तक अक्षांश था, ये वाला पॉइंट अब तक अक्षांश था, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाया ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा हो गया। तो बात समझ में आ गई कि अक्षांश रेखा क्या होता है, और अक्षांश रेखाओं की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप समझेंगे जो बहुत बेसिक परिभाषा होती है। तो कहा जाता है कि ग्लोब या पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में इसको समझते हैं, अक्षांश देशांतर क्या है। ठीक इसी तरह से देशांतर रेखाएं होती हैं, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा कि हमारे पास दो इमेजिनरी लाइन हैं, एक को हमने कहा जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरे को हमने कहा जीरो डिग्री देशांतर रेखा। अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से और परिचित हो जाइए। आपने ये देखा है ब्लैक वाली, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर जो ये वाली लाइन है इसको भी हम क्या कह रहे हैं, जीरो डिग्री देशांतर रेखा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों लाइन एकदम प्लस की तरह लग रही है कि नहीं लग रही। तो दोनों ये लाइन अलग अलग पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। मान लीजिए कि हमारे पास ये है, अब इसको हमने यहाँ से अगर काट दिया, यहाँ से अगर हम काट देंगे तो भी एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे हो जाएगा। अरे आप याद करिए, जब आप क्रिकेट खेलते थे, खेलते खेलते गेंद फट जाती थी
तब उसमें जो दो पार्ट बनते थे, अगर उन दोनों पार्ट को आप कभी चिपकाए भी होंगे शायद, तो जब उन दोनों गेंद के पार्ट्स को चिपकाते थे तो एक ऊपर और एक नीचे, तो वही ऊपर वाला एक पार्ट नीचे वाला एक पार्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ से पृथ्वी को हमने मान लीजिए काट दिया, तो ये एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पर क्या हुआ, भूमध्य यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में इसने बांटा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा। तो जब एक पूरे गोले को हमने दो पार्ट में बांटा, तो गोले का एक आधा भाग ऊपर और गोले का आधा भाग कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक को तो हम क्या कहेंगे, इसको हम बताइए गोलार्ध कहें कि ना कहें, इसको हम क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। एक गोले का आधा भाग और एक गोले का आधा भाग यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, गोलार्ध कह देंगे। जरा पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से बना लीजिए। अब इसके बाद आपने ये देख लिया कि हमारे पास दो गोलार्ध हो गया। अब इन दोनों गोलार्धों के बीच में क्या आपको कोई और भी गोलार्ध नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए इस गोले को और इस गोले में से देखिए कि क्या आपको कोई और भी गोला यहाँ से आधा आधा आप कर सकते हैं कि नहीं। हमने एक गोला किया है इस ब्लैक वाली लाइन के सहारे, एक गोला यानी कि ऊपर हो गया और एक नीचे। अब ठीक इसी तरीके से आपको फिर से इस पूरे गोले को दो पार्ट में बांटना है, जिसमें आपको फिर दो गोल आधा गोला मिलेगा, एक रेड वाले की तरफ इधर और एक इधर मिलेगा। बात समझ में आई, यानी कि आपको कुल दो तरीके से दो आधारों पर दो बार आधा आधा गोला मिल रहा। अब इसका हमको नामकरण करना है, जो हमने ब्लैक वाले के आधार पर डिवाइड किया था इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे वाले को हम क्या कह देंगे, दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रही है, दो यहां पर गोलार्ध मिल गए, एक को हमने कहा उत्तरी और दूसरे को हमने कहा दक्षिणी। अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बाद जो हम रेड लाइन के सहारे दो फिर से गोलार्ध बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध और यहां वाले को क्या कह देंगे, पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा ये क्यों हुआ है, आप तो ये जानते ही होंगे कि दिशाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिशाएं कुल कितनी प्रकार की होती हैं। हमारे पास दिशाएं हमारे पढ़ने लिखने के लिए कुल आठ प्रकार की दिशाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ या उत्तर, इसको हम लोग कहते हैं साउथ या दक्षिण, इसको हम लोग कहते हैं ईस्ट या पूर्व, और इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट या पश्चिम। अब यहीं पर आप देखेंगे तो हमें चार डायरेक्शन और मिलती हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार प्रकार की डायरेक्शन आपको मिलती है चार प्रकार की ये डायरेक्शन मिलती हैं, और इन्हीं डायरेक्शन के आधार पर हम पृथ्वी का जो दो बार अलग अलग आधार पर गोला किए थे तो उसका हमने नाम रख दिया गोलार्ध के रूप में। अब हम लोगों को आगे देखना है कि आखिर इसको आप चाहें तो बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि आखिर इस ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल खूब पूछे जाते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत को अगर हम लोग देखें किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो स्थित है कुछ इस तरह से, आपके पास गोलार्ध है, सॉरी गोला है यानी कि पृथ्वी है, यहां पर आपने दो लाइन बनाया था। अब आप बताइए कि इसका नाम हम क्या रखें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि जीरो डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसको हमने बोला जीरो डिग्री देशांतर रेखा। अब भारत यहाँ पर
कहां पर स्थित होगा, यानी इस पूरे ग्लोब में भारत की अवस्थिति कहां है, तो भारत की अवस्थिति कहां पर होती है, यहां पर कहीं होती है। भारत कहां पर स्थित है, यहां पर। ये क्या है, भारत है। बात समझ में आई। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में बताइएगा। अगर हम लोग देशांतर रेखा के सहारे से देखेंगे तो ये किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। और अगर हम लोग ऊपर के गोलार्ध में यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे जो हम लोगों ने गोलार्ध में डिवाइड किया था उसके आधार पर देखेंगे तो कहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत की अवस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर होगा, अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। एक पल के लिए आप इस बात को समझिए थोड़ा सा कि क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाएं तो क्या ये गोलार्ध होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये चूंकि गोले का चौथा भाग है तो हम कह सकते हैं, सिर्फ कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेटरल में स्थित है भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी ग्लोब पर भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में या उत्तरी गोलार्ध में या फिर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, किस तरह से इसका अक्षांश और देशांतर के रूप में विस्तार पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आखिर जब भी हम लिखते हैं किसी भी अक्षांश को या देशांतर को तो वहाँ पर हमें उसके साथ डायरेक्शन भी लिखना होता है। तो उसको हम ये अक्षांश और देशांतर की प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम जब भी अक्षांश लिखेंगे तो उसके साथ हम दिशा लिखते हैं, यानी कि डायरेक्शन लिखते हैं। उसके साथ हम या तो उत्तर लिखेंगे या तो फिर हम दक्षिण लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर देशांतर लिखते हैं, अगर हम देशांतर लिखेंगे तो उसके साथ या तो हम पूर्व लिखेंगे या तो हम पश्चिम लिखेंगे। यानी कि अक्षांश रेखाओं के साथ हम उत्तर या दक्षिण और देशांतर रेखाओं के साथ हम पूर्व या पश्चिम लिखते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी समझनी है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर अवस्थित है ग्लोब पर, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ पर है। पहले आप यहाँ इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर समझिए। इसको आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हम लोगों ने बात किया था कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, करीब करीब यहाँ पर है। तो भारत की अवस्थिति अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक रेखा गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो कोई न कोई काल्पनिक रेखा यहाँ से भी होकर गुजरी होगी। यानी कि अगर हम लोग इसको पूरी लाइनिंग कर दें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिली होगी। बोलिए, बात ये समझ में आ रही है कि नहीं। इस तरह से अगर देखा जाए अब तो आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से हम उत्तरी गोलार्ध में भी देखेंगे तो आपको कुछ लाइनें इस तरह से मिलेंगी। अब यहाँ से लाइन मिलेगी, यहाँ से लाइन मिलेगी, यहाँ से लाइन मिलेगी।
अब यहाँ पर हमारे लिए कुछ लाइन महत्वपूर्ण हैं, जैसे यहाँ से खींची गई ये वाली लाइन आप ध्यान रखिए, यहाँ से खींची गई एक लाइन और है, और फिर जो रेड कलर से दो लाइन यहाँ पर आपको मिल रही है इसको आपको ध्यान में रखना। मतलब कहने का हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यही जो चौकोर आकार में बन रहा है, यही चौकोर, अब यहाँ पर आपको ध्यान से ये देखना है कि जो यहाँ पर चार कोने का आकार दिखाई दे रहा है उसे ही हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। लेकिन आपकी परीक्षा में ये सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इन लाइंस का नाम क्या है, किस किस अक्षांश और किस किस देशांतर पर भारत का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसको आपको मैंने समझने के लिए बनाया था, अब हम इसको थोड़ा सा और बड़े तरीके से बनाते हैं कि किस तरह से भारत का अक्षांश और देशांतर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर ही भारत की अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। ये हमारे पास एक बेस लाइन है और यहाँ पर हम खींच देते हैं एक जीरो डिग्री देशांतर रेखा। अब आप जरा याद करिए, जो हमने आपको नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेटरल बताया था, क्या वो वही वाला आकार आपको नहीं मिल रहा देखने को? तो यहाँ पर आप पहले चाहें तो लिख दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे। आप बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये ज़ीरो है तो क्या ये वाली लाइन एक डिग्री होगी कि नहीं होगी, बोलिए। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो क्या इसको हम दो डिग्री बोलेंगे कि नहीं, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे तो तीन डिग्री आएगा, चार डिग्री आएगा, पाँच डिग्री आएगा। तो इस तरह से ज़ीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? अगर हम लोग ज़ीरो से बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ऊपर हम लोग कहाँ तक जाएंगे? अगर हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हम कहाँ पहुँचते हैं? ये हम पहुँच जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पर, या हम इसी को कहते हैं नॉर्थ पोल। तो अब यहाँ पर जब हम ज़ीरो से बढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट में जैसे ही हमारे पास आठ डिग्री की लोकेशन आती है, 8 डिग्री और 4 मिनट की लोकेशन आती है, जैसे ही हम 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचते हैं वैसे ही शुरू हो जाती है भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाएं जैसे ही पहुंचती हैं तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया कि भारत कहां से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट तक। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर एक समय आएगा जब हम पहुंचेंगे लगभग यहाँ पर, और ये लाइन हम भारत के लगभग बीचों बीच पहुँच गए, और ये लाइन ही क्या कहलाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कर्क रेखा। फिर इसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हम जब पहुँचे तो फिर हम भारत को आधा कवर कर लिए। अब इसके बाद हमको पहुंचना है ऊपर तक, और जैसे ही हम जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पहुंचते हैं वैसे ही हम कहां पहुंच जाते हैं? अब बोलिए, ये वाली लाइन आपको कहां तक मिलेगी लास्ट में? तो 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी कि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक आपको देखने को मिल गया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि क्या भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री तक है, या फिर भारत का विस्तार कुछ और भी होता है। तो भारत का विस्तार सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री तक नहीं, बल्कि जब यहाँ पर आप भारत के
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लेंगे तो भारत की अवस्थिति थोड़ा सा और नीचे तक आती है। और ये जो अंतिम वाला पॉइंट होता है ये कहाँ तक मिल जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि भारत की मुख्य भूमि, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर आपको टेक्निकलिटी देखने को मिलेगी कि भारत का मुख्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उसके बाद अब पूछा जाए, ये तो आपका क्या हो गया अक्षांश के हिसाब से, अब दूसरा देशांतर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो देशांतर पर आपने देखा था कि ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर लिखेंगे तब हमें वहाँ पर डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि नॉर्थ या साउथ नहीं लिखेंगे, ईस्ट या वेस्ट नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद जैसे हम 0 से ऊपर बढ़ना शुरू किए थे वैसे ही हमने क्या किया, जब हम 0 से 0 डिग्री देशांतर से इधर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तब भी हमको 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से मिलेगा। तो भारत का जो अंतिम यहाँ पर शुरुआत वाली लाइन होती है ये कितने देशांतर पर होती है, तो ये हो जाती है 68 डिग्री 7 मिनट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे, साउथ कहेंगे, ईस्ट कहेंगे या वेस्ट कहेंगे, जवाब आप दीजिए कि इसके साथ हम कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के अब हम पूरा यहाँ तक बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम कहाँ आएंगे, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया, सॉरी जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो इसके लिए हम कौन सा लाइन प्रयोग करते हैं, तो वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट, और इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको कंफर्म हो गई कि भारत की लोकेशन अगर हम लोग देखें मुख्य भूमि की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश में होगी, और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक होगी। यहाँ पर एक लाइन हम लोग और मिस कर रहे हैं, ताकि आप जब अक्षांश या देशांतर लाइन की बात करें भारत के रेफरेंस में, तो वो आपको 6 लाइन आपको याद होनी चाहिए। 4 तो आपको ये हो गई, यानी कि अगर यहाँ से ले ले तो 5वीं लाइन हो गई, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये सारी लाइन आपको याद हुई, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी आपको याद हुई, तो एक लाइन और बचती है उसको भी आप कर लीजिए। यहाँ पर जब इसके ठीक बीचों बीच पहुँचते हैं तो कर्क रेखा मिलती है, और जब लगभग यहाँ ठीक से बीचों बीच पहुँचते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हम इसको कहते हैं, और इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, ईस्ट, और इसी लाइन को हम कहते हैं भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर आपने इतने टाइम में इस बात को समझा कि भारत की लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये स्थित है। यहाँ तक बात अगर आपको कंफर्म हो गई है तो आप मान के चलिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे पास ग्लोब है, ग्लोब पर आपने देखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर है भारत। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भारत के है, तो यहाँ पर 2.4% भूभाग भारत के पास मौजूद है, यानी पृथ्वी के 2.4% भाग पर भारत अवस्थित है। और कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है, तो ये आपने अभी देख लिया। तो भारत की लोकेशन से संबंधित अब आपको यहाँ पर कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर एक तो आपने ये लोकेशन देख लिया अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग, अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो हो गया
खगोलिकी स्थिति, अब दूसरा होता है भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ और नहीं बल्कि आपको भारत के रेफरेंस में या अन्य जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बताएं भारत की लोकेशन क्या है तो वही क्या होती है जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपने भारत को देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर देशों के नाम लिखिए जो आपके सामने मैप टंगा है, जो भी आपने घर पे लगाया है उसमें देखिए यहाँ पर कौन सी कंट्री है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है और फिर यहाँ क्या है। जब आप इसी के रिस्पेक्ट में भारत की लोकेशन बताना शुरू कर देंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका। अब आपसे मैं पूछूं कि भारत श्रीलंका के किस दिशा में है तो आप कहेंगे सर भारत जो है वो श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भारत की भौगोलिक स्थिति बताई, क्योंकि आपने किससे तुलना किया है, किसी एक भौगोलिक खंड से तुलना किया है, श्रीलंका के उत्तर में क्या है, भारत है। इसी तरीके से आप हर एक कंट्री का रिस्पेक्ट लीजिए, उसके तुलना में भारत कहाँ है या फिर वो कंट्री कहाँ पर है, दोनों को आप तुलना करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भारत किसके किस दिशा में स्थित है। मैंने यहाँ पर जो आपको डायरेक्शन चार्ट बनाया था, कुल 8 डायरेक्शन हमने आपको जो दिखाया था उसी के आधार पर आपको इस बात को डिसाइड करना है कि भारत कहाँ पर स्थित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट, भारत के सामान्य परिचय में हमने आज एक पॉइंट पढ़ा है जिसका नाम है भारत की लोकेशन, भारत की अवस्थिति। टाइम आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि बहुत लग गया, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगना स्वाभाविक सी बात है। मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ ताकि अगर आपको बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं आती है तब भी आप हमारी बातों को बहुत आसान तरीके से समझ सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की चतुर्दिक सीमाएं क्या हैं, उसके कौन कौन से बिंदु हैं, उसका नाम क्या क्या है। और अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आप इसको भी पढ़ के आइए और फिर हमारे साथ पढ़िए तो आपको दोगुना मज़ा आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।